बैंक डजंट पे अस कमीशन, वी ऑलवेज पे कमीशन. बैंक चार्जेस भी वी ओनली पे. बैंक तुमको क्यों देगा, थोड़ी बैंक के लिए काम करे, बैंक अपने लिए काम करे. इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट दो, रेंट इंटरेस्ट कमीशन एंड डिस्काउंट कैन बी बोथ एक्सपेंस और कुछ नहीं दिया तो अज्यूम दे आर एक्सपेंस. बैंक कमीशन आएगा, आगे भी आएगा. बैंक कमीशन इज एक्सपेंस. एक्सपोर्ट ड्यूटी इज ऑल टैक्सेस, ऑल टैक्सेस एक्सपेंस. अभी जीएसटी का प्लीज कंफर्म इट इन कॉलेज. जीएसटी नॉमिनल करवाया है, एक्सपेंस क्रिएट करना है फिलहाल और डेबिट कर देना है. Still you confirm for trial balance in your college, GST. Practically, input GST is debit and output GST is credit. Because input GST is an asset, output GST is a liability. Practically. But college mein they are telling abhi nominal hai. So sub expense or sub debit. Is it clear? Just confirm it in college. It is wrong, but what to do now? Then, import duty. डेबिट. क्लियरिंग चार्जेस, फॉरवर्डिंग चार्जेस आते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में यूज होता है. एजेंट को अपॉइंट किया तभी, सीएनएफ एजेंट. क्लियरिंग चार्जेस डेबिट, फॉरवर्डिंग चार्जेस डेबिट. ऑल आर एक्सपेंसेस आर यू अंडरस्टैंडिंग. सेल्स टैक्स डेबिट. ऑक्ट्रॉय ड्यूटी डेबिट. कस्टम ड्यूटी है, कस्टमर ड्यूटी नहीं है, कस्टम ड्यूटी डेबिट. एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो डेबिट. टैक्सेस इज द लोडिंग चार्जेस डेबिट. अनलोडिंग चार्जेस डेबिट. ड्यूमरेजेस मीन्स फाइन्स और पेनल्टी. लेट विड्रॉवल ऑफ गुड्स फ्रॉम शिप. शिप डॉक पे खड़ा हुआ है, तुमने लेट गुड्स निकाला तो फाइन पड़ा. डॉक चार्जेस डेबिट. ट्रैवलिंग चार्जेस डेबिट. ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट. बैड डेट्स डेबिट. एक्सपेंसिव बैड डेट्स रिकवर्ड. क्रेडिट. डेप्रिसिएशन डेबिट. अप्रिसिएशन क्रेडिट. इनकम टैक्स बाय drawings. Income tax are personal expense. They are drawings. So debit. Is that clear? Income tax refund. कभी ज्यादा tax pay कर रहे हो ना तो department से refund आता है. तो हाँ मिलता है, मिलता है, मिलता है, देता भी है government. बहुत अच्छा है. अभी तो बहुत fast हो गया, एक महीने में आ जाता है. इसी account में credit हो जाता है. Income tax refund. उसको TDS refund भी बोलते हैं कभी कभी. तो इनकम टैक्स रिफंड इज क्या है, जैसे इनकम टैक्स वॉज ड्रॉइंग्स, रिफंड आएगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल ओनर का बढ़ जाएगा. सो दैट विल बी क्रेडिट. दैट विल बी क्रेडिट. दिस क्लियर? हाँ हाँ बोलो. नहीं भरते हैं उसमें, ले लेते हैं वापस. बोलो. समझाओ. वो समझाएंगे मैं कहने जाऊँ. बोलो क्या था. टोल नहीं है. प्रॉपर वे ऑफ सेविंग टैक्स विच सीएस. इनकम टैक्स रिफंड दैट इज क्रेडिट. लॉस ड्यू टू फायर फ्लड्स एंड थेफ्ट. ऑल लॉसेस आर डेबिट. लॉस ऑन सेल. अभी क्या ना डेप्रिसिएशन में लॉस ऑन सेल डेबिट. प्लीज लिसन. प्रॉफिट ऑन सेल क्रेडिट. यहां से डिस्काउंट अलाउड से लेके लास्ट आइटम सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स है. मार्क करो, स्टार करो, ब्रैकेट डालो, जो करना है करो. डिस्काउंट अलाउड से लेके लास्ट आइटम. एक आइटम का एक्सप्लेनेशन मिस मत करना, कान खुले रखो अभी. फर्स्ट आइटम डिस्काउंट अलाउड. वाई एक्सपेंस. डिस्काउंट रिसीव्ड. क्रेडिट इनकम. कमीशन पेड. कमीशन रिसीव. रेंट पेड. रेंट रिसीव. इंटरेस्ट पेड. इंटरेस्ट रिसीव. ब्रोकरेज पेड. ब्रोकरेज रिसीव. समझा ये एक एक्सपेंस है. इनकम. सन्ड्री रिसीट. मिसलेनियस रिसीट. ये दोनों छोटे अमाउंट के रिसीट है. स्क्रैप भंगार पेटी कैश में आते थे जो. सो बोथ आर स्मॉल इनकम्स ओनली. कोई भी एक हेड यूज कर सकते हो. सन्ड्री रिसीट एंड मिसलेनियस. सन्ड्री रिसीट मिसलेनियस. हाँ रिसीट या इनकम. Sundry receipt या miscellaneous income. Both are one and the same. Sundry income, miscellaneous income. So both are income, so credit. Dividend. Always credit. Dividend for us is always. कौन देता है dividend? Company देता है. हम receive. We are not company. We are investor, sole proprietor. Investor के लिए dividend is income. Company के लिए dividend is. Next year we'll earn company. So the dividend will become an expense. For now, for us, it is an income. Always income. We are doing sole proprietorship this year. Remember that. Outstanding expenses. Now, these four items. Outstanding expense, prepaid expense, income receivable, income received in. What are outstanding expenses? Dena baki hai. Matlab liability. Matlab credit.
सुना देना बाकी है तो लायबिलिटीज तो क्रेडिट. व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंस? एडवांस में दे दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है, कुछ मिलना बाकी है तो एसेट मतलब डेबिट. इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या है? काम कर दिया है, इनकम मिलनी बाकी है, कुछ मिलना बाकी है तो एसेट सो डेबिट. सो ऑल इनकम रिसीवेबल आर डेबिट. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? काम बाकी है. एडवांस में इनकम आ गई है, ऑब्लिगेशन है, पैसा या बेनिफिट देना बाकी है, सो इट्स अ लायबिलिटी, सो इट विल बी क्रेडिट. चारों पहले भी बताया था याद है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल. बोलो मेरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्रेडिट लायबिलिटी प्रीपेड एक्सपेंस. Debit by asset. Income receivable. Debit by asset. Income received in advance. Liability. So credit. All four items clear with meaning. Accordingly apply the logic. Bolo mere ko. Outstanding expenses. Credit. Prepaid expense. Debit. Income receivable. Debit. Income received in advance. Credit. Outstanding salary. Credit. Is a general term. Kisi ko bhi laga sakte ho. Outstanding salary. Matlab credit. Dena. बाकी है लायबिलिटी. प्रीपेड वेजेस बाय एडवांस में दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है, एसेट डेबिट. कमीशन रिसीवेबल डेबिट, पैसा मिलना बाकी है, एसेट डेबिट. रिशा आर यू लिसनिंग? इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस बाय एडवांस, कुछ भी एडवांस में आ जाए अपना घर का नहीं है, बेनिफिट देना जब तक बेनिफिट ना दो तब तक वो लायबिलिटी है, सो क्रेडिट बैलेंस. इज दिस क्लियर? तब तक इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मीनिंग होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, पे कर दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है, अनएक्सपायर्ड, अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है. सो प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस इज डेबिट. इट्स एन एसेट, इट्स एन एसेट. नाउ द नेक्स्ट वन, अक्रूड रेंट, बाय ब्रैकेट में दिया है रेंट रिसीवेबल. अक्रूड मीन्स रिसीवेबल. क्या है? डेबिट, पैसा मिलना बाकी है. अभी नेक्स्ट थिंग, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. आई एक्सप्लेन द मीनिंग इन फाइनल अकाउंट. यहाँ पे करेंगे हम वैल्यूएशन अकाउंट है ये. ओके, डेटर्स के अगेंस्ट क्रिएट करते हो, क्रेडिटर्स के अगेंस्ट रिजर्व क्रिएट करते हो, कैसे करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन. फॉर द टाइम बीइंग इतना याद रखना ट्रायल बैलेंस के लिए, अगर डेटर का रिजर्व है ना तो इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस, और अगर क्रेडिटर का रिजर्व है ना तो इट विल हैव डेबिट बैलेंस. ऑपोजिट रिजर्व, रिजर्व बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा फाइनल अकाउंट में, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है इसके. इधर थोड़ा तुमको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा. व्हाट यू नीड टू मेमोराइज? डेटर्स का रिजर्व है तो इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का रिजर्व है तो इट विल हैव डेबिट बैलेंस. सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल debts, doubt, reserve for bad debts, reserve for doubtful debts, related to debtor. So it will have credit balance. Please listen guys. इसी में mistake होता है. Reserve for doubtful debts, RDD, या reserve for bad debts, सुना? या reserve for discount on debtors. Debtors का reserve है तो it will have credit. Opposite. और क्रेडिटर्स का रिजर्व है तो डिल हैव याद रहेगा क्या बोला. अच्छा, रिजर्व की जगह प्रोविजन भी दे सकता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऑल विल हैव क्रेडिट बैलेंस ना. या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स विल हैव डेटर का रिजर्व है, डेट्स का रिजर्व है तो क्रेडिट, क्रेडिटर्स का रिजर्व है तो इट विल हैव. व्हाट इज द मीनिंग? हाउ टू क्रिएट विल लर्न, डिटेल में आएगा फाइनल अकाउंट. इट क्लियर? अभी खाली ये ध्यान में रखो ट्रायल बैलेंस के लिए. आगे बढ़ते हैं, ये भी फाइनल अकाउंट में आई एक्सप्लेन. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट दिख रहा है, दिखा? व्हाट इज, व्हाट बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन है? डेबिट, एक्सपेंस डेबिट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया तो ऑपोजिट, इट विल हैव क्रेडिट. डेप्रिसिएशन इज डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज क्रेडिट. व्हाट इट इज आई टेल यू, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन चैप्टर किया ना फाइनल अकाउंट में, व्हेन वी कम अक्रॉस दैट पार्ट आई एक्सप्लेन. क्लियर? तो रिमेंबर दीज टू थिंग्स, डेटर का रिजर्व है तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर का रिजर्व है तो ऑपोजिट. अच्छा, डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या होता है? डेबिट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या रहेगा? क्रेडिट. वो आर डिफरेंट अकाउंट. ओके, देन
ये नेक्स्ट दो आइटम दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड ऊपर नीचे. व्हाट आर जनरल रिजर्व एंड व्हाट इज रिजर्व फंड? दे आर अवर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. ये शायद मैंने क्लासिफिकेशन के वक्त एक बार किया था. जनरल रिजर्व रिजर्व फंड, नॉट डेटर एंड क्रेडिटर का रिजर्व. डेटर क्रेडिटर के रिजर्व नहीं, नॉर्मल रिजर्व. जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, रेवेन्यू रिजर्व, ओनली रिजर्व्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस. ऐसे रिजर्व्स कहीं दिख गया या सरप्लस, रिजर्व्स, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व दिख गया. व्हाट आर दीज? दीज आर अवर ओन प्रॉफिट्स. मुझे एक बात बताओ, साल का जो प्रॉफिट लॉस होता है किसको बिलोंग करता है? ओनर को. तो वी एडेड टू कैपिटल, बराबर. समटाइम्स बिजनेस क्या करता है, कैपिटल में एड नहीं करता है प्रॉफिट और अलग से दिखाता है. समटाइम्स बिजनेस क्या करता है, डज नॉट एड द प्रॉफिट टू कैपिटल, इट शोज इट सेपरेटली. सेपरेटली दिखाएगा तो ये अकाउंट में दिखाएगा. रिजर्व, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, ओके. यू हैव रिजर्व एंड सरप्लस. ये सब हम लोग लर्न करेंगे आगे भी, ट्वेल्थ में ज्यादा है इसका यूज. तो ये रिजर्व हैं क्या? दीज आर अवर ओन प्रॉफिट, दीज आर अवर ओन. आर यू लिस्निंग? किसको बिलोंग करता है? ओनर को. खाली कैपिटल में एड नहीं किया, अलग अकाउंट में दिखा. मुझे एक बात बताओ, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? Credit. क्यों देना बाकी है? इंटरनल लाइबिलिटी है. तो ये रिजर्व्स का बैलेंस क्या होगा? Credit. ये भी ओनर को देना बाकी. दीज आर बिजनेस का प्रॉफिट जो ओनर को देना बाकी. इज दिस क्लियर? तो मैं हमने दो अलग रिजर्व देखे, डेटर का रिजर्व एंड क्रेडिटर का रिजर्व, वो अलग पार्ट है, और नॉर्मल रिजर्व अलग पार्ट है. सुना? डेटर क्रेडिटर का रिजर्व है तो दे विल हैव ऑपोजिट बैलेंस. डेटर का क्रेडिट, क्रेडिटर का डेबिट. और नॉर्मल रिजर्व है तो ऑलवेज दे विल हैव इट बैलेंस. They are accumulated profits. Is this clear? बढ़वा. Capital. Credit. Gross profit, gross loss. Again in final accounts we'll learn what is gross profit, gross loss. Hint देख के पता चल रहा है profit loss. Profits will have credit. Loss will have debit. Net profit, net loss. Profit will have credit. Loss will have debit. ये भी final account. ये एक्चुअली नहीं पूछना चाहिए, बट एन एम पोदार दे आस्क दीज आइटम, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दीज. ओके, एक्चुअली दीज आर पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद समझ में आने के बाद भी दूर, बट ट्रायल बैलेंस पे दे आस्क, सो यू रिमेम्बर. प्रॉफिट है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट. इज इट क्लियर? देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी रिजर्व ही है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजर्व. तो प्रॉफिट ही होता है, तो डेबिट स्लैश क्रेडिट दिया हुआ है वहां पे. कैन यू सी दैट? तो अगर सम में दिया है तो वो लिखना, डेबिट दिया तो डेबिट, क्रेडिट दिया तो क्रेडिट. इफ द स्पेसिफाइ राइट दैट, कॉपी दैट. कुछ नहीं दिया है तो व्हाट वी विल अज्यूम? क्रेडिट. क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वी विल अज्यूम इट इज क्रेडिट, मतलब उसमें प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है. रिजर्व्स ही है वो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो ओनर को देना बाकी है. जो हमने देखा ना रिजर्व, अभी वी सॉ टू एग्जांपल ऑफ रिजर्व्स, जनरल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व एंड रिजर्व फंड. सिमिलर टू दैट यू हैव पीएनएल, सिमिलर टू दैट यू हैव पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है. कुछ नहीं दिया है, अज्यूम इट इज क्रेडिट. इन्वेंट्री और स्टॉक, डेबिट. एसेट. लास्ट फोर, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. ओके, यू आर ऑल माई एम्प्लॉयज, सपोज यू आर ऑल माई एम्प्लॉयज, आई एम गिविंग यू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, आई एम गिविंग यू अ सैलरी ऑफ 10,000. आई, वॉट विल द एम्प्लॉयर डू? एम्प्लॉयर वॉन्ट गिव यू, बिजनेस वॉन्ट गिव यू फुल 10 इन हैंड. बिजनेस विल गिव यू 9. बिजनेस विल गिव यू 9. बिजनेस विल गिव यू 9. 1,000 तुम्हारे सैलरी का तुमको ना देके तुम्हारे फंड में डाल देगा वो. उसको बोलेगा 1,000 को कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड. उसको बोलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट. सो फॉर बिजनेस इट इज एन एक्सपेंस. फॉर बिजनेस इट इज एन एक्सपेंस. सैलरी इज एन एक्सपेंस, सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस. सो विच बैलेंस इट विल हैव? डेबिट. ये क्लियर हुआ? नाउ 1,000 जमा कर करके एक बड़ा सा फंड रेडी हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड. प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड. 1,000 सब एम्प्लॉय का जमा हो गया, उसमें 2,00,000 रुपया जमा हो गया. अभी वो पैसा मेरा है कि मेरे को उसको देना बाकी है? देना बाकी है. तो फॉर बिजनेस दैट मनी इज अ लायबिलिटी. फॉर बिजनेस दैट मनी इज अ लायबिलिटी. सो लायबिलिटीज हैव गॉट विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. So, pension fund or provident fund will have which balance? Credit balance. Two items clear? You can relate it to outstanding salary ka entry. What is the entry when you pay salary? Debit. Salary to cash. Salary to cash. What is the entry for outstanding salary?
सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंस डेबिट हुआ, टाइम आ गया लेकिन पैसा नहीं मिला तो देना बाकी है, अंडरस्टूड। ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड इज द एंट्री, कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेंस, फंड इज लायबिलिटी, टाइम नहीं आया देना बाकी है, यू अंडरस्टैंड। सैलरी के जगह कॉन्ट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी के जगह प्रोविडेंट फंड, बैठा दिमाग में। नाउ इमेजिन करो हर एक लायबिलिटी के सामने एसेट होना चाहिए, लायबिलिटीज आर इक्वल टू एसेट, तो अगर लायबिलिटी में 2 लाख का फंड है तो सामने कैश 2 लाख रहेगा, बच गया है मेरा, मैंने वो लोग को नहीं दिया 1000 1000, तो व्हाट डज द बिजनेस डू, बिजनेस इन्वेस्ट दैट कैश, बिजनेस क्यों ऐसा, क्योंकि भले ही एम्प्लॉय का पैसा है ना, बुढ़ा होगा रिटायर होगा तब देना ही है उसको, तो थोड़ा ज्यादा मिले उसको इंटरेस्ट के साथ मिले, तो उसका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो एसेट में क्या खरीद लेते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, उस इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट बैलेंस डज इन्वेस्टमेंट हैव, डेबिट, तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी डेबिट एसेट। क्या है इन्वेस्टमेंट समझ रहा है, फंड का 2 लाख इन्वेस्ट करके रखा है, अभी लास्ट आइटम उस पे जो ब्याज मिलता है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट लास्ट आइटम इट इज इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इट इज, देखो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अपना इनकम है, नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अपना इनकम है, ये एक ऐसा इंटरेस्ट है विच इज एन एक्सेप्शन, कौन सा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये अपना इनकम नहीं है, ये क्यों इन्वेस्ट किया था, एम्प्लॉय के लिए, तो मैं क्या करेगा उसको फंड में ऐड कर देगा लायबिलिटी, उसको देना जैसा फंड का पैसा उसको देगा वैसे इंटरेस्ट भी उसको देगा, तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट विल हैव इट्स बैलेंस क्रेडिट, इट विल हैव क्रेडिट। Tell me, contribution will have which bank? Debit. Why? Expense. Fund will have? Debit. Fund. Provident fund will have credit. It's a liability. Jama hua paisa. Provident fund investment. Debit. Asset. Interest on provident fund investment. Credit. Why credit? Liability. Not income. Income ke wajah se credit nahi hai. Liability ke wajah se credit. Wo apni income nahi hai. Employee ki hai. Buddha hoega tabhi fund ke saath interest bhi dega mujhe. तो फॉर मी इट्स अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिट, क्रेडिट है बराबर बट नॉट ड्यू टू इनकम, इज ड्यू टू लायबिलिटी। लास्ट आइटम इज कस्टमर बायर अकाउंट रिसीवेबल एंड बुक डेट्स ऑल आर नेम फॉर डेटर्स, कस्टमर्स बायर्स अकाउंट रिसीवेबल बुक डेट्स नॉट बैड डेट्स बुक डेट्स, ये किया था याद है एनएमपीडी वाले के वक्त, बुक डेट्स अकाउंट रिसीवेबल नॉट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल ऑल आर नेम्स ऑफ डेटर्स विद बैलेंस सप्लायर सेलर अकाउंट पेबल क्रेडिट ऑन अ क्रेडिट। रीड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ द बैलेंसेस, जनरली दे विल हैव द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, नथिंग इज गिवन, यू टेक इट एज क्रेडिट, वी जस्ट नाउ डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट पीएनएल लाइक योर रिजर्व, सेकेंड क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक विल नेवर अपीयर, आई विल एक्सप्लेन व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस, दो पॉइंट्स मैंने छोड़ा है क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस नेट, इफ ओनली डिस्काउंट रेंट इंटरेस्ट और कमीशन इज गिवन, वी अज्यूम दे आर एक्सपेंस एंड वी अज्यूम दे आर डेबिट, ओके, एक 2 मिनट ब्रेक, 3 सेकंड, 1 सेकंड।